गाइस वेलकम बैक टू माय न्यू व्लॉग। अभी व्लॉग का टाइम हो रहा है, 8 बज रहे हैं। एक व्लॉग तो मेरा आ गया होगा, दूसरा मैं स्टार्ट कर रहा हूँ। और मजे की बात यह है कि आज मौसम जो है वो मतलब फिर वही बारिशों वाला मौसम शुरू हो गया। वो अलग बात है कि गर्मी से बहुत ज़्यादा ही राहत है, और लेकिन कहीं जा भी नहीं पा रहा हूँ, उस वजह से कॉलेज भी नहीं जा पाया। अभी देखते हैं, अगर रुक जाता है तो अभी भी टाइम बहुत है तो जा सकते हैं कॉलेज। और दिखाता हूँ मौसम कैसा हो रहा है अभी, और देखिए देख सकते हैं गाइस कैसा मौसम हो रहा है। बारिश ही बारिश, अभी तो यहाँ पे वेदर रिपोर्ट भी था कि 23 तारीख तक बारिश होगी। फर्श पूरे स्लिपी हो गए होंगे, अब अगर गया तो मैं फिसलूँगा बहुत तेज, इसलिए रिस्क नहीं लेने का। और हवा तो बहुत ही ज़्यादा अच्छी चल रही है, अभी सारे पेड़ों में पानी जा रहा है। वहाँ पे एक रोज़ है और तुलसी का पेड़ है, और इधर भी एक पेड़ है, तो सही है। ऐसा वेदर हो तो फिर गर्मी से तो बहुत राहत मिलेगी ही मिलेगी। तो गाइस यहाँ पे बाहर बारिश हो रही है और मुझे बाहर जाना है, तो मैंने सोचा क्यों ना अपने हाथों से ही वाटरप्रूफ रेन कवर बना, यानी रेन केस जो मोबाइल का केस होता है वो बनाने की कोशिश किया जाए। तो वही बना रहा हूँ, आपको भी दिखाता हूँ कैसा बन रहा है। तो फाइनली गाइस हमारा एक कवर अभी जो सैंपल कवर था वो तैयार हो चुका है, दूसरा कवर भी तैयार हो चुका है, बट वो मैंने अभी इसमें लगा दिया है। तो आप क्वालिटी देख सकते हैं, अच्छी खासी आ रही है। जुगाड़ में तो यही मिलेगा और क्या मिलेगा। वैसे भी मौसम खुल चुका है, बारिश भी बंद हो चुकी है। यहाँ पे बाहर सांड महाराज जा रहे हैं साउट करते हुए। मौसम देख सकते हैं एकदम खुला हुआ है। चलो देखते हैं क्या करना है, इसको रखते हैं। पहले यहाँ पे गाइस मैं निकल चुका हूँ इस मौसम में, और क्या बढ़िया हवा चल रही है गाइस, मज़ा आ रहा है एकदम। गर्मी से लग रहा है जैसे गर्मी की एकदम दूर चली गई है। और अभी तो मैं जाऊंगा कौशिक के घर, फिर वहां से कौशिक को लेके फिर चलूंगा कॉलेज के साइड, अच्छे मौसम होगा वहां पे। तो आज का मौसम तो बड़ा सुहाना है, बस खाने का कोई प्लान नहीं है, फिर भी चलो चलते हैं। तो गाइज अभी मैं आया हूँ यहाँ पे कॉलेज के पास आंटी और अंकल की शॉप पे। यहाँ पे हम हरदम आते हैं और पकौड़े तो कभी स्टिंग ऐसे पीते रहते हैं। अंकल और आंटी का जो बिहेवियर है बहुत ही मतलब कितना प्यारा बिहेवियर है कि कुछ लफ्जों में कहना पॉसिबल ही नहीं है। तो आइए मैं दिखाता हूँ आंटी अंकल को। हमारी आंटी जो बहुत ही ज़्यादा प्यारी हैं, हमें हर वक्त आते हैं। और ये हमारे अंकल, ये जो बहुत क्यूट हैं, और इनके यहाँ आके हम लोग मतलब अलग से हम लोग को रिफ्रेशमेंट मिलती है जब भी यहाँ आते हैं हम। अभी तो आंटी ब्रेड पकौड़े बना रही हैं, तो और बगल में चाय भी चल रही है बनने की प्रोसेस। तो अभी यहाँ पर देखिए मैं दिखाता हूँ आंटी कैसे बनाती है ब्रेड पकौड़े, और यहाँ अंकल हैं तो देखते हैं। यहाँ पे कौशिक खड़ा है और यहाँ पे आंटी इंतजार हो नहीं रहा बिल्कुल सुशांत भाई। और ब्रेड पर बहुत तेज भूख लग रही है इस टाइम पे, और टाइम आपका 11 बज चुका है और इंतजार बिल्कुल नहीं हो रहा। IMT के सामने आंटी की दुकान है, फिर हम यहाँ पे देखते हैं पकौड़ी है, आंटी ब्रेड पकौड़े खिलाती क्या खाते हैं। चाय एक ऑर्डर दे चुका है, चाय बन रही है प्रोसेसिंग में, और अभी बस पकौड़े बन रहे हैं तो फिर तैयारी हो रही है, मतलब फिर खाते हैं फिर आपको दिखाते हैं। यहाँ पे आंटी बेसन का पेस्ट बना रही हैं, इसके बाद फिर पकौड़े का प्रोसेस शुरू होगा। अभी आंटी ने अभी हम खाना खा रहे थे, इतने देर में आंटी ने क्या क्या इसमें ऐड किया हमें तो कुछ नहीं पता, आंटी ही बताएंगी। आंटी बताइए क्या क्या ऐड किया है इसमें। बेटा नमक, अजवाइन,
और हल्का सा हम इसमें बेकिंग पाउडर डालते हैं। ओके ओके, तो यहाँ पे डालते हैं बेसन में। अच्छा, बेसन का नाम बेसन। और यहाँ पे अंकल चिल मार रहे हैं यहाँ पे बैठे। अंकल की स्माइल देखो, कदम से एकदम किलर स्माइल है। और यहाँ पे आंटी तैयार हैं पकौड़े बनाने के लिए। यहाँ पे तेल गरम हो रहा है। Don't you think we're done? आंटी ने 5 पकौड़ों को तलने के लिए बना लिया है और यहाँ पे तेल भी गर्म हो चुका है और अंकल हंस रहे हैं। और अब बने, फिर पैक करवा के सोचा है पार्क में ही जाके खाएंगे। और ये लग रहा है फाइनल भी 5वां भी बन के तैयार हो गया। आंटी एक बार इधर देख लीजिएगा सर। पकौड़े रेडी हो चुके हैं, अभी तो एक हो रहा है ना, तो ये तीसरा निकल चुका है। और अब बाकी सबको दिया जा रहा है। तो यहाँ पे पकौड़े रेडी हो गए हैं हमारे। और इस मौसम में पकौड़े खाने के मज़े ही अलग हैं और आंटी के हाथों से बने पकौड़े खाने के तो और भी ज़्यादा मज़े हैं। और यहाँ पे हम आते हैं तो कभी पकौड़े, तो कभी स्टिंग, तो कभी पानी, तो जो मर्जी वो लेते रहते हैं। आलू का पराठा तो और भी, आलू का पराठा का तो हमारा रिकॉर्ड है यहाँ पे। एक में से 4 बंदे उठाए। तो अभी आंटी यहाँ पे निकाल रही है इसको। तो गाइस यहाँ पे फाइनली हम गंगानगर से लौट चुके हैं आंटी के हाथों से बने ब्रेड पकौड़े खा के। और अब घर के पास हूँ मैं, उसके बाद कौशिक अपने घर चला जाएगा। फिर यहाँ पे फाइनली कौशिक जा रहा है और वो गया। तो गाइस फाइनली कौशिक भी जा चुका है और मैं घर भी आ चुका हूँ। तो चलो आज खाने का इन्फॉर्मेशन लेते हुए ब्लॉग को ख़त्म कर लेते हैं कि आज क्या बन रहा है खाने में कुछ नए तरीके से। हाँ तो मॉम, क्या बन रहा है आज खाने में? रोटी, सब्जी, नेनुआ, आलू प्याज की सब्जी। नेनुआ आलू प्याज की सब्जी बन रही है, तो अभी तो रोटी बन रही है। तो गाइस अगर आपको ये ब्लॉग पसंद आए तो ब्लॉग को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और फिर जितना हो सके उतना शेयर करें, क्योंकि शेयर करने से प्यार बढ़ता है। तो शेयर कर दीजिएगा। तो मिलते हैं किसी नए ब्लॉग में मम्मी के साथ, तब तक के लिए बाय।